दोस्तों, आप फोटो देख रहे होंगे और वीडियो भी देख रहे होंगे कि किस तरह से राहुल गांधी धान रोपनी में जुटे हुए हैं और जा करके धान रोप रहे हैं। लेकिन जब हमने देखा कि वो धान रोपने गए हुए हैं, तो हमारे दिमाग में आया कि आखिर राहुल गांधी वहाँ पर गए होंगे तो वहाँ का जो क्राइम सीन नहीं, जो जहाँ पर ऐसा घटना घटी होगी, जहाँ पर वो धान रोप रहे होंगे, तो वहाँ की घटना कैसे घटी होगी। तो हम सोचे कि वहाँ पर राहुल गांधी घूमते घूमते रोड से गुजर रहे होंगे, तो देखे कि कुछ लोग तालाब मतलब कुछ लोग खेतों में कुछ कर रहे हैं। तो राहुल गांधी उतरे होंगे, जा करके बोले होंगे कि हेलो भैया, हम राहुल गांधी, आप लोग उस कीचड़ में गंदगी में क्या कर रहे हैं। तो किसान बेचारा हकबका जाता है कि साला हम तो खेत में धान रोप रहे हैं, तो एक व्यक्ति आ करके कीचड़ बोल रहा है। तो फिर जा करके राहुल गांधी बोलते हैं कि फिर किसान लोग समझाते हैं कि भैया ये कीचड़ नहीं, ये खेत है, तालाब मतलब खेत है, वहाँ पर हम धान रोपनी कर रहे हैं। तो जा करके राहुल गांधी बोलते हैं कि आप धान रोप रहे हैं तो ये जो आप अपने हाथों में घास लिए हैं, ये घास किस लिए लिए हैं और इस घास को इस खेत में क्यों गाड़ रहे हैं। तो किसान बोलता है कि राहुल जी, ये घास नहीं है, ये धान का बीज है, मतलब धान का बीहन होता है, धान का इसे रोपा जाता है, इसके बाद इसको तैयार किया जाता है। तो फिर राहुल गांधी पूछे होंगे कि अच्छा, आप इस चीज़ को गाड़ रहे हैं तो इसको फिर खोदेंगे कब, और इसमें कितने दिनों के बाद इसमें फल बैठ जाएगी। यानी कि राहुल गांधी के दिमाग में ही चल रहा होगा कि जो होता है इसमें जो फल निकलते होंगे वो ज़मीन के नीचे निकलते होंगे, इसीलिए इसको कोड़ेंगे कब। तो वहाँ पर किसान समझाते हैं कि भैया ये इसे कोड़ा नहीं जाता है, ये जब धीरे धीरे बढ़ता है इसको काटा जाता है, इसके बाद इसे धान निकलता है, फिर इसके बाद इसे चावल निकाला जाता है। तो फिर राहुल गांधी उल्टा बोलते हैं कि जब इसे चावल निकलता ही है तो इसको काटेंगे किस लिए, डायरेक्ट यहीं से हम चावल निकाल करके ले जाएंगे। फिर उस बोलते हैं कि यदि हमको चावल निकालना ही था तो हम इसको धान क्यों निकालेंगे, हम डायरेक्ट चावल ही बो देंगे और चावल ही हो जाएगा, यानी कि चावल बोएंगे तो चावल ही ना होगा। तो इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से राहुल गांधी का वहाँ पर सवाल जवाब किया जा रहा होगा उन किसानों के द्वारा, और किसान भी बेचारे माथा पीट करके बैठ रहे होंगे कि आखिर किस माई का लाल है इतना ज्ञानी बच्चा जो कि देश का नाम विदेशों में जाकर के रोशन करता है और किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को संभालने की बात करता है, और ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में भी हो सकते हैं। ये सोच सोच करके वहाँ के किसान जो है ना, दो चार दिन तक खाना नहीं खाए होंगे, दो चार दिन तक चिंता में बैठे होंगे, और उनकी हंसी तो रुक ही नहीं रही होगी कि कैसे कैसे नमूने हैं इस अपने देश में।